सर जैसे स्टीविया को अभी शुगर का रिप्लेसमेंट बोल रहे हैं, तो इट्स हेल्दी और नॉट? स्टीविया इज एब्सोल्युटली हेल्दी because stevia is derived from the methi tulsi plant. Basically, it is a sister of the tulsi plant. Okay. उसका जो leaf है वो extremely sweet रहता है, उसी का extract वो रहता है. And surprisingly, stevia plant जो है 0 calorie होता है. Wow. It's absolutely safe. It is natural. It has no side effects. हेलो एवरीवन, दिस इज़ विदुषी एंड यू आर वाचिंग द गुड हेल्थ शो. आज हम बहुत सारे मिथ्स जो हैं वो बस्ट करने वाले हैं, न्यूट्रिशन मिथ्स, और उसी के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर वैभव गर्ग, डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट. सर, आपका बहुत बहुत वेलकम है फिर से हमारे शो में, द गुड हेल्थ शो में. सर, बहुत से ऐसे मिथ हैं जो हम रोज़ अपनी लाइफ में इनकाउंटर करते हैं, चाहे वो सुबह उठकर गर्म पानी पीना हो या फिर लेमन हनी जिंजर वाटर पीना हो, और बहुत सारे लोग इसको फॉलो भी करते हैं. आई डोंट नो कि ये मिथ है या फैक्ट है, वो आज हम आपसे जानेंगे. तो स्टार्टिंग फ्रॉम मिथ, सर, सबसे पहला जो भी हमने डिस्कस किया, क्या हमें सुबह उठकर अगर हम लेमन जिंजर वाटर पीते हैं तो क्या उससे वेट लॉस में हमको हेल्प मिलती है? मैं नहीं कहूँगा एग्जैक्टली वेट लॉस में हेल्प मिलेगी, बट डेफिनेटली फोकस ऐसा रहना चाहिए कि आप अगर लेमन या जिंजर जैसे इंग्रेडिएंट्स अर्ली मॉर्निंग में लेते हैं तो आपके गट को एक्टिवेट करने के लिए बहुत अच्छा है, आपके सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए अच्छा है. मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि यू मस्ट ट्राई टू अवॉइड हनी. लोगों को लगता है हनी ऐड करने से वेट लॉस होता है, बट नहीं. हनी में फ्रुक्टोज होता है, हनी शुगर का एक वेरिएंट है. सुबह सुबह अपने खाली पेट में प्लीज़ डू नॉट पुट एनी हनी और एनी शुगर वेरिएंट. इट्स नॉट गुड फॉर यू एट ऑल. ओके. एंड सर, जैसे स्टीविया को अभी शुगर का रिप्लेसमेंट बोल रहे हैं, तो इट्स हेल्दी और नॉट? स्टीविया इज एब्सोल्युटली हेल्दी because stevia is derived from the methi tulsi plant. Basically, it is a sister of the tulsi plant. Okay. उसका जो leaf है वो extremely sweet रहता है, उसी का extract वो रहता है. And surprisingly, stevia plant जो है 0 calorie होता है. Wow. It's absolutely safe. It is natural. It has no side effects. Okay. सर, जो weight lose करना चाहते हैं वो आजकल मैं देख रही हूँ, मेरी मम्मी भी मुझे बोलती हैं कि खाना खाने के बाद आधे घंटे बाद गर्म पानी पीना चाहिए, इससे आपका weight lose होगा. So it's a myth or a fact? I would say it's a myth, honestly. मेरे व्यू में आप पानी कभी भी पी सकते हो. यू कैन हैव इट ड्यूरिंग योर मील एज वेल, यू कैन हैव इट पोस्ट योर मील एज वेल. इफ़ इट इज़ वार्म, यानी कि अगर वो गर्म है, तो उसका एडवांटेज ये है कि इट डज़ नॉट कॉज योर गट टू अल्टर इट्स टेम्परेचर. क्योंकि अगर आप ज़्यादा कोल्ड फ्लूइड्स हो गया या कोल्ड फूड्स डालते हैं, सो द बॉडी हैज़ टू कम टू योर एड टू रेज द टेम्परेचर. देखिए, आप दाल भी खाते हैं, यू ईट लिक्विड रिच फूड्स ऑल्सो, तो तब हम ये नहीं सोचते कि हम पानी क्यों डाल रहे हैं सिस्टम में. Exactly. So it's simple. आप लिक्विड्स लीजिए, वार्म लेंगे तो it's good for your gut. सर, जैसे इस टाइम ना सीड्स का बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है, फ्लैक्स सीड्स, चिया सीड्स, पम्पकिन सीड्स. तो जानना चाहेंगे कि ये सच में आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं, आपको रोज़ कंज्यूम करने चाहिए? इट्स अ मिथ और अ फैक्ट? सीड्स आर गुड फॉर अस प्राइमरीली फॉर द रीज़न कि ये रिच इन फैटी एसिड्स हैं. Fatty acids are things like omega-3, omega-6 and omega-9. The most important fatty acid हमारे लिए जो है वो है omega-3. Omega-3 आपको मिलता है अगर आप chia seed और flax seed खाते हैं, but overdo करने की ज़रूरत नहीं है. You can have a spoon or two at tops and it's a great source of fiber as well. But अगर लोग अगेन सोचते हैं कि अगर हम chia seed हम बहुत सारी खा लेंगे हमारा weight loss हो जाएगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. होता क्या है, यूजली हम जब ऐसे प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करते हैं, बहुत और चीज़ों के साथ ओवरलैप होने लगता है. लोग टाइम से सोने लगते हैं, हाइड्रेशन अच्छे से करते हैं, सीड्स हो गया, फाइबर हो गया, बहुत कुछ करने लगते हैं. एंड दैट इन ऑल कॉन्ट्रीब्यूट्स टू योर वेट लॉस एंड नॉट जस्ट बाय हैविंग जिंजर एंड लेमन वाटर इन द मॉर्निंग या फिर एक आपने स्पून सीड्स का ले लिया तो. एग्जैक्टली. सर, जैसे कि हम बात कर रहे हैं सुबह मॉर्निंग के रूटीन की, तो जीरा वाटर भी आजकल हम देख रहे हैं कि इंस्टा पर रील्स बन रही हैं और लोग कंज्यूम करते भी हैं. और इनफैक्ट मतलब मैंने सुना भी है लोगों को ये बोलते हुए कि जीरा वाटर से सच में उनको वेट लॉस में हेल्प हुई. सो ये माइंड की ट्रिक है, इट्स अ मिथ और इट्स अ फैक्ट? ऑनेस्टली इट्स अ मिथ. आपको सिर्फ जीरा पानी पीने से वेट लॉस नहीं सक्सेसफुली मिलेगा. Jeera is a great ingredient to add in your food. You can boil it and mix it in your water because it aids in digestion. उससे ज़्यादा आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा. जैसे कि मैंने कहा, आप बहुत सारी चीज़ें सही करने लगते हैं एट द सेम टाइम, एंड हम अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से उस चीज़ को पिक आउट कर लेते हैं जो हमें लगता है हमें वेट लॉस में एड कर रही है, whereas it could be something else altogether. So हाँ, अगर आप जीरा पानी पी रहे हैं, डोंट थिंक कि मेरा वेट लॉस होगा, बिकॉज काफ़ी लोग आपसे डिसअपॉइंटेड रह जाएंगे. बट क्या जीरा वाटर अगर हम सुबह पी रहे हैं, आपने बोला कि वेट लॉस में तो हेल्प ऐसा सच नहीं करता है, बट इसके कोई और बेनिफिट्स हैं? हाँ, जैसे कि मैंने बताया आपके डाइजेशन के लिए अच्छा है। तो जीरा हो गया, जैसे कि सौंफ हो गया फॉर एग्जांपल, मेथी हो गया, फेनुग्रीक जिसको हम बोलते हैं, हींग हो गया, ये सारी चीज़ें आप बॉईल करके ब्रू करके पानी में ले सकते हैं। अगेन आपकी डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है। जिन लोगों को ब्लोट का इशू है, एसिड ज़्यादा बनता है, आप लोगों को काफ़ी बेनिफिट मिलेगा अगर आप इसको ब्रू करके पानी में लेंगे। ओके, एंड सर जैसे इंटरमिटेंट फास्टिंग होता है कि 14 से 16 आवर्स आपको कुछ कंज्यूम नहीं करना है, तो इज़ इट अ मिथ और अ फैक्ट कि लीवर को क्लियर होने के लिए, डिटॉक्स होने के लिए आपको 14 से 16 घंटे ज़रूरी होते हैं लाइक टू हील? दैट इज़ एब्सोल्युटली राइट। अगर हम जापानीज़ रिसर्चर्स का भी लिटरेचर पढ़ें तो 12 टू 14 आवर्स ऑफ फास्टिंग आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपके साथ प्रीवियस इंटरेक्शन में मैंने हाईलाइट किया है कि 12 से 14 घंटे तो हम सबको करना चाहिए। इट्स नॉट ओनली फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ हेल्पिंग योर डाइजेस्टिव सिस्टम, हाँ उसको तो ब्रेक चाहिए ही चाहिए, क्योंकि ज़्यादा फूड खाना हमारे लिए अच्छा नहीं है। सो जैसा कि आपने लिवर का बताया, लिवर को तो ब्रेक मिलेगा ही, बट एट द सेम टाइम बॉडी जो है ग्रोथ हार्मोन सिक्रिएट करती है। तो आपने दिन भर में जो भी बॉडी को अब्यूज़ किया है, आपने खाना खाया है, बॉडी उस पीरियड में रिकवर करती है। जो भी सेल्स रिपेयर मांगते हैं, डैमेज्ड हैं, बॉडी की ग्रोथ होनी है, लोग एक्सरसाइज करते हैं इतना, तो वो 12 से 14 घंटे मैं कहूँगा बहुत ही क्रूशल रहते हैं। फास्टिंग इज समथिंग जो हम सदियों से करते आ रहे हैं और ऐसा कुछ नहीं है। उसको एक ट्रेंड बना दिया, बिकॉज आजकल टाइम ट्रेंड्स का है, तो जो चीज़ ज़्यादा बातचीत की जाती है जिस बारे में, वो ट्रेंड बन जाता है। एग्जैक्टली। तो फास्टिंग तो इम्पॉर्टेंट है टू हील एंड हमारी बॉडी के लिए बेस्ट है। सर स्टीम्ड फूड और कुक्ड फूड विच इज़ बेटर? बोथ हैव देयर एडवांटेजेस। स्टीम्ड फूड में क्या है, आपका लॉस ऑफ सर्टेन न्यूट्रिएंट्स कम रहता है, जो इनसॉल्युबल फाइबर्स होते हैं वो इम्पैक्ट कम होते हैं। वेयर एज आप कुक्ड फूड लेते हैं तो बहुत सारे वाटर सॉल्युबल एंड फैट सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स यानी कि विटामिन्स और मिनरल्स आपके ख़राब हो जाते हैं। काफ़ी प्रोटीन्स हैं जो हमारे फूड में, वो डीनेचर हो जाते हैं, यानी कि वो रेडिली अवेलेबल नहीं होते हैं बॉडी के लिए। सो आई ऑलवेज एडवाइस कि आप बैलेंस लें कुक्ड फूड का और स्टीम फूड का, क्योंकि जो चीज़ स्टीम में खाई जा सकती है नॉट नेसेसरली सब कुछ कुक्ड में खाई जाए, एंड वाइस वर्सा। सारी चीज़ों को आप कुक नहीं कर सकते, कुछ चीज़ों को आपको रॉ और स्टीम वर्जन में भी खाना पड़ता है। एग्जैक्टली सर अगर स्पाइसी फूड खाते हैं तो उससे अल्सर होता है, इट्स अ मिथ और अ फैक्ट? सो स्पाइसी फूड इज़ समथिंग विच एवरीवन वुड नॉट बी एबल टू एक्सेप्ट। कुछ लोगों की गट ज़्यादा सेंसिटिव होती है। सो व्हेन आई से गट, अभी आई एम टॉकिंग अबाउट द स्टमक इन पर्टिकुलर। सो कुछ लोगों का स्टमक लाइनिंग ज़्यादा सेंसिटिव होती है, थोड़ी भी मिर्ची अगर होती है तो दे माइट गेट अ रिएक्शन। वेयर एज देयर आर सम पीपल हु ईट अ लॉट ऑफ स्पाइस। आई मीन आई कुड कैटेगराइज मे बी पीपल हु कम फ्रॉम आंध्र प्रदेश, दे लव ईटिंग देयर स्पाइसेस, खूब सारा स्पाइसी फूड वो खाते हैं तब भी उनको कुछ नहीं होता है। सो अगेन आपकी गट किस तरह अडेप्ट हुई है, किस तरह उसकी सेंसिटिविटी है, उस पर मैटर करता है वो। ओके, एंड सर जैसा आपने बताया था कि हनी इज़ नॉट हेल्दियर देन शुगर, ऐसा बोल सकते हैं? इट्स अ मिथ और अ फैक्ट, हनी इज़ हेल्दियर देन शुगर? सो ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सारी शुगर सेम है, देखिए ऑल द शुगर्स आर द सेम, ठीक है। ओनली डिफरेंसेस उनका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर डिफरेंट है, तो किसी का एब्जॉर्प्शन ब्लड स्ट्रीम में फास्ट होगा तो किसी का स्लो होगा, बट एट द एंड ऑफ द डे सारी शुगर सेम है। ऑल्सो हो सकता है किसी में न्यूट्रिशन ज़्यादा मिल जाए, जैसे कि वाइट प्रोसेस शुगर है उसमें सब कुछ हम निकाल देते हैं, सो यू वोंट गेट एनीथिंग इन इट, इट्स जस्ट प्योर कार्बोहाइड्रेट। बट एट द एंड ऑफ द डे सब में एक ग्राम ऑफ शुगर में, चाहे वो जैगरी से हो चाहे वो हनी से हो, उसमें आपको 4 कैलोरी ही मिलेगा। हाँ, लाइक आई सेड किसी में आपको न्यूट्रिशन ज़्यादा मिल जाएगा, यानी कि विटामिन्स और मिनरल्स हो सकता है ज़्यादा मिल जाए क्योंकि वो प्रोसेस्ड नहीं है, और उसका ब्रेकडाउन स्लो होगा। बट एट द एंड ऑफ द डे ऑल शुगर्स आर बैड। अगर लेना है शुगर, उसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लीजिए आप, जैसे कि होल ग्रेन से हम लेते हैं, ठीक है, या होल फ्रूट से लेते हैं, दैट्स स्टिल बेटर फॉर अस बिकॉज द फाइबर प्रिवेंट्स द शुगर फ्रॉम ब्रेकिंग डाउन वेरी क्विकली, रिमेंबर दैट। ओके सर एक लास्ट मिथ हमारे पास है कि घी इज अनहेल्दी, तो बस यही जानना चाहेंगे, इट्स अ मिथ और अ फैक्ट? घी इज एक्चुअली वेरी हेल्दी। नाउ दिस इज फॉर एनी कम्युनिटी, चाहे आप कार्डियक पेशेंट हो, चाहे आप जिम में ट्रेनिंग कर रहे हो, ठीक है। हम लोग घी को एज मेडिसिन यूज़ करते हैं, उसका मैं आपको साइंस बताता हूँ। घी का जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है, इट इज़ वेरी आइडेंटिकल टू ह्यूमन मिल्क। यस, जो मदर्स मिल्क हमें मिलता है, जो कोलोस्ट्रम होता है फर्स्ट मिल्क, उसका और देसी घी का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर इज़ वेरी सिमिलर। सो इमेजिन इट्स लाइक गेटिंग मदर्स मिल्क फॉर लाइफ। इट इज़ ग्रेट फॉर योर इम्यूनिटी, इट्स ग्रेट फॉर योर जॉइंट्स, इट्स ग्रेट फॉर योर ब्रेन हेल्थ, ओके, इट्स एक्चुअली गुड फॉर योर हार्ट। So don't take me otherwise, ghee is very good for you unless you have a liver related issue, then you need to be careful, you need to stay off your ghees and oils and all the necessary fats.